कितनी साहस रही होगी उनके अंदर, और आज दुनिया का सेकेंड मोस्ट एक्सेप्टेबल साइंस है ये, WHO कहती है, गौरी शंकर नहीं कह रहे। आज सब लोगों ने स्टेटस लगाया होगा। तुझे को बोला मजुमदार ने, यस बॉस बताएं प्लीज। आज अभी आप जो बात बोल रहे हैं ना जी, यही चीज हम लोग आगनान पढ़ने के लिए कर रहे हैं। आज मैंने कई लोगों को फोन किया होगा कि क्या यार कहाँ क्या बता रहे हो, ये किस लिए पढ़ रहे हो यार, मतलब इतना बुरा लगता था हमें। वही चीज हनुमान साहब किए होंगे जब होम्योपैथिक कोच किए होंगे, मैं महसूस किया आज कई लोगों से बात करके। तो मैं आप लोगों को बहुत, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ बॉस कि दिस क्लास विल चेंज ऑल योर लाइफ। बच्चन भाई आपका 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 आवाज नहीं आ रहा, बट आई फील योर एनर्जी। कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ दिन बाद, कुछ दिन और रुक जाइए, लोगों को समझ में खुद आने लगेगा। जी जी तब बोलेंगे, और तब आप उनसे उतने साल आगे रहेंगे, ये मेरा गारंटी है जी। आज ना, आज के WHO ने भी ये बात बोल दिया कि विश्व का दूसरा अगर कोई चीज है तो होम्योपैथी है, WHO बोला, क्योंकि वो लोग इस कुछ तो समझने लगे हैं। और ये बहुत इस हाई टाइम बच्चों, हाँ। मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ कि लोगों के बहकावों में, लोगों के बातों में मत आइएगा। इफ यू आर हियर एंड यू आर ट्राइंग, यू आर एक्सेप्टिंग कि होम्योपैथी जिंदगी में आप करनी है, तो यू आर नॉट डूइंग इवन, मतलब आप एक स्टेप भी नहीं चल सकते बिना ऑर्गन के। और जो बोल रहा है ना वो आपको धोखा दे रहे हैं, याद रखिएगा, उनसे बचिए, वो आपको धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब ऑर्गेनन, जब होम्योपैथी एक्सेप्ट की जाएगी तो ऑर्गेनन एक्सेप्ट किया जाएगा, और आप देखा जाएगा कि इस ऑर्गेनन के साथ कौन डॉक्टर चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। जी जी जी। और इंटेलेक्चुअल लोग वही जाएंगे। तो देखिएगा मजुमदार ने क्या बोला, कहा कि व्हेन वी थिंक ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, वी गो बैक अ पीरियड ऑफ 250 साल पीछे। सोचना, अगर हम आज होम्योपैथी को ले रहे ना, आज WHO बोल रहा है ना, आज हम सब जा रहे हैं ना मां सीना चौड़ा करके कि वी आर द प्राउड होम्योपैथ, लेकिन किस प्रेशर से निकला? अगर इस साइंस में सच्चाई नहीं होती तो उस पीरियड में निकल के बाहर नहीं आता। कौन सा पीरियड? देखो, बोला कि इट वॉज द पीरियड, 250 साल पहले की बात हो रही है, कि इट वॉज द पीरियड वी when the intellectual were groping in darkness, जहां पे intellectual बुद्धिमत्ता अंधेरे में सिमट चुकी थी, superstitiousness, speculation were ruling the mind of man, superstitiousness and speculation, फर्जी का रूलिंग द माइंड, नहीं एक मर्द मर गया तुझे भी मर जाना चाहिए, जा जल जा, था ना उधर, यही तो होता था, क्या था, कहां इंटेलेक्चुअल था? एक बंदा दर्द से करा रहा है, मरकरी गिरा दो, पॉजिटिव दे दो, ब्लड बेटिंग, और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे था ट्रेडिशन वेयर फ्लो, ट्रेडिशन जो मान्यताएं थी, ट्रेडिशन वेयर फॉलोइंग ब्लाइंडली, ऑर्थोडॉक्स वाज हाइटेंड इन ऑल स्फीयर ऑफ द लाइफ, एनीबॉडी हु डिफर आर डिफीटेड बाय द अथॉरिटी एंड पे द प्राइस फ्रॉम हिज सोशल बायकॉट और एग्जाइल। जो लोग उस ऐसा बोलते थे अथॉरिटी के खिलाफ, उनको या तो सजा मिलती थी, या तो जेल मिलता था, या बाइकॉट। पागल है ये, पागल, ठीक है। डॉक्टर हनीमैन हैड लीव हिज फादरलैंड बिकॉज ही डेयर टू डिफर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उनने साहस करी कि ये जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम आ रहा है, वो जो 250 साल से 2500 साल से ये चल रही है, इसके खिलाफ बोलूंगा मैं। जब बोला तो उनको जर्मनी से बाहर कर दिया, लेकिन रुके नहीं वो। ऐसा ही आप लोग बोल रहे होंगे ना कि ऑर्गेनन
जा यार, लेकिन जिस दिन उनको समझ आएगी ना, आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। और मैं प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है, केवल 3 से 4 महीने लगेंगे, आप सब को प्राउड फील होगा कि आप ऑर्गेनन पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो अब देखो, मजूमदार ने एक बात बोली कि जो लोग बोलते हैं कि मटेरिया मेडिका ही सब कुछ है, रिपोर्टरी ही सब कुछ है, उनके लिए बोला कि इफ मटेरिया मेडिका इज अ हॉर्स, अगर मटेरिया मेडिका क्या है, घोड़ा है, देन ऑर्गेनन इज अ रुइन। क्या समझते हो क्या होता है वो? घोड़े को काबू में कौन रखता है? लगाम। 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 अगर मटेरिया मेडिका घोड़ा है तो ऑर्गेनन क्या है? लगाम। लगाम है, बोला है। If the मटेरिया मेडिका इज अ हॉर्स, देन ऑर्गेनन इट्स रिम दैट कुड गाइड इट टू इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन। लगाम है भैया, वो गाइड करेगा कि कैसे आपको, और व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अ होम्योपैथ, छोड़ो, व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अ फिजिशियन, बोलो बोलो भाई। इंस्पिरेशन ऑफ अ हेल्थ, रिस्टोर द हेल्थ, क्योर, क्योर करने का हमारा एक ही डेस्टिनेशन है ना, रिस्टोर द हेल्थ, क्योर द सिक। और ये मेडिसिन से होगा, लेकिन मेडिसिन को गाइड करने वाला जो किताब है वो कौन है? ऑर्गेन। और ये भी बोला एसपीडे साहब ने, इन्होंने भी लिखी ऑर्गेन, उन्होंने बोला कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उनको बोल देना, उन लोगों को बोल देना जो आपके दिमाग में डालते हैं कि ये पढ़ के क्या होता है, उनके दिमाग में डालना कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट विदाउट फॉलोइंग ऑर्गेन इज जस्ट लाइक अ एप्रिहेंशन of a shape of elephant by touching only a portion of the body with the blind eyes. समझ आया? होम्योपैथी का प्रैक्टिस करना उन अंधों की तरह है जिनको हाथी पकड़ा देना बिना ऑर्गेनन के, जो कि विजयकर सर ने अपने मियाज में समझाया है। हाँ, जिसने जो पकड़ा वही समझा, वही यहाँ हो गई है। समझे आप लोगों को कि नहीं? तो बच्चों, ऑर्गेनन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑर्गेनन इज अ बुक जो आपको ये बोलेगा कि हाउ टू यूज दिस डिवाइस 100% एफिशिएंसली। याद करो, जब भी हम कोई गैजेट खरीदते हैं, जब भी हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, हमको उसके साथ क्या मिलता है? एक मैनुअल बुक मिलता है, मैनुअल बुक। वो मैनुअल बुक किसके लिए होता है बताओ जरा? और जो समझदार लोग होते हैं उस मैनुअल बुक को पढ़ते हैं और उसके बाद गैजेट यूज करते हैं, मोबाइल हो। अरे, हमको जब खाता खोलने जाते हो बैंक में ना, तो भी एक तो खाता मिलता है छोटा वाला, पढ़ टर्म एंड कंडीशन, और जब हम फंसते हैं तब उसको पढ़ते हैं। अगर उसको पढ़ के खर्च करें तो फंसते का नाम ही नहीं है। और यहाँ पे भी तुम लोगों को बता रहे हैं, ये जो तो चेहरे दिख रहे हैं ना, मौर्य बॉस हैं, बच्चन भाई हैं, जितने पुराने लोग हैं, ये लोग जब फंसे हैं तब पढ़ रहे हैं। एक कहावत होती है ना कि भैया दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे तो जिंदगी में थोड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। अपनी गलती करेंगे, खुद गलती करेंगे, खुद चिपरेंगे, ये हम बहुत बुरी बोलते हैं, चलेगा ना चिपरना, मतलब गोबर में, तो खुद चिपरेंगे, उसके बाद काम करेंगे तो अलग होगा, तो थोड़ा डिले हो जाएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी और की बातों में ना आके ऑर्गेनन को अपने दिल के पास रखिएगा। पहला प्यार करना है आप लोगों को ऑर्गेनन से, उसके बाद दूसरा प्यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, हमारे लिए तो वाइफ है,